गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ नर्सिंग पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो भी बोरो। बोरो क्या होता है? हम किसी से मांगते हैं। बोरो मतलब किसी से हम लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे सीखना कैसे है। सबसे पहले हमको मालूम है कि सब्ट्रैक्शन में वंस वाला, सबसे पहले हम वंस वाला माइनस करेंगे। तो देखो सबसे पहले वंस का देखो क्या होता है। थ्री और फोर, यहाँ पे थ्री है और फोर है। छोटा कौन है? थ्री है। छोटा कौन है? थ्री है। थ्री में से फोर माइनस नहीं होगा क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो ये तो छोटा पहले ऊपर में है तो छोटा माइनस नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? जब वो खुद ऑलरेडी कम है तो कैसे माइनस होगा? हम क्या करेंगे? बगल वाले से बॉरो करेंगे। हमने बॉरो कर लिया। अब कितना नंबर हो गया? वन थ्री थर्टी। वन थ्री थर्टी। उसके बाद इसके साथ साथ ही एक काम और करना हो, जब हम इससे इसमें से एक ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? सेवन को कट करके, सॉरी एट को कट करके सेवन ले लेंगे। एट में से फाइव सिक्स सेवन और एट, एट में से एक कम हो गया तो कितना हो गया? सेवन हुआ ना, तो सेवन कट करके हम लिखेंगे। सही है। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, पहला हमने बॉल लिया उसके बाद उसको कट करना। सेकेंड नंबर देखो, फोर को ले जाना है थर्टीन तक। फोर को ले जाना है थर्टीन तक। कौन कौन? फोर क्या है? फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। थर्टीन आ गया। फिंगर बताओ मेरे कितना है? नाइन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नाइन लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? नाइन लिखेंगे। अब जब ये सेवन है ये क्यों है? क्यों को ले जाना है सेवन तक? कौन कर टू के थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। फिंगर बताओ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वंस वाला माइनस करते हैं। तो वंस वाले में देखते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। नीचे वाले नंबर से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है? तो आप देखोगे यहाँ पे जो फाइव है वो क्या है? एट से छोटा है। फाइव जो है क्या है? एट से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? जब छोटा है तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? बगल वाले से बॉरो करेंगे। हमने बॉरो कर लिया। जब छोटा होता है तभी करते हैं, जब बड़ा होगा तो ऑलरेडी हमने कर चुका है, ले लिया। अब क्या करेंगे? इसको कट करके उसी सेल में कट करके हम क्या करेंगे? सेवन लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे? सेवन लिखेंगे। अब करो एट को ले जाओ फिफ्टीन तक। एट क्या है? नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। सिक्सटीन क्यों आ गया? फिफ्टीन ही कर देंगे ना। काउंट ऑफ फिंगर को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? सेवन। ओके, अब देखो यहाँ पर सेवन में से सिक्स को माइनस करेंगे तो सिक्स को ले जाएंगे सेवन तक। सिक्स के आगे सेवन, वन फिंगर। समझ में आ रहा? फिर से देखो, प्रैक्टिस करना है इसको। सेवन है और ये थ्री है, माइनस क्या होगा हमारा? सबसे पहले माइनस करना है वंस वाले लाइन। ओके, वंस वाले लाइन को माइनस करेंगे तो हम क्या देखेंगे? सेवन बड़ा है कि छोटा है? थ्री से ऑफकोर्स बड़ा है। तो बड़ा जब होता है तब हम क्या है कि बॉरो नहीं करते हैं। जब ऑलरेडी वो बड़ा होता है तो हम बॉरो नहीं करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। चलो माइनस करो। थ्री के आगे काम करो फोर फाइव सिक्स
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. फिंगर काउंट करो, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5, 4, 9. आगे हमारा 9. अब इस 3 को ले जाओ 8 तक. 3 के आगे काउंट करो, 3 के आगे 4, 5, 6, 7, 8. फिंगर क्या हो गया हमारा 5. ओके, ध्यान से देखना, फिर से देखो, ये 2 है और ये 8 है, तो 2 तो फिर से छोटा हो गया. 2 क्या हो गया, फिर से छोटा हो गया 8 से, तो नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया, ऊपर वाला नंबर छोटा हो गया. जब नंबर छोटा हो जाए तो हम क्या करते हैं, वन वाला कर लेते हैं, वन हमने वन कर लिया. अब 3 को कट तो करना है, हमने उसे मांगा है, तो 1 को कम करोगे कि नहीं करोगे, हमने कम कर लिया. अब काउंट करो 8 को ले जाओ 12 तक. 8 के आगे 9, 10, 11, 12, 4 फिंगर. अब यहाँ पे कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 में से 2 जाएगा तो 0. जैसे सेम नंबर मिल गया तो समझ जाना माइनस में 0 हो जाता है, सेम नंबर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा. ओके, सही है ना. अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो है हमारा 3 और 5 है, 3 है और 5 है, फिर से 3 छोटा हो गया, 5 बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से ले लेंगे, हमने 1 ले लिया. ओके, अब देखो यहाँ पर करो, फिर क्या करेंगे हम, इसको कट कर करना, सबसे पहले ये काम करना है, कट कर यहाँ पर 5 लिखेंगे. अब काउंट करो 5 को ले जाओ 13 तक. 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. फिंगर बताओ कितना है, 8 फिंगर है, देखो यहाँ पे 8. ओके, अब ये देखो 4 है और ये 5 है, ले जाओ 4 के बाद 5, 1 फिंगर. ओके, अब यहाँ पे एक और मैं बता देती हूँ, 0 वाला मैं बता देती हूँ आपको. ओके, 0 ध्यान से देखना, 0 ये ऑलरेडी 0 ही है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा, बगल वाले से मांग लेगा, उसने मांग लिया, ये क्या हो गया हमारा 7. इस 5 को ले जाओ 10 तक. 5 क्या 6, 7, 8, 9, 10, 5 फिंगर. ओके, अब इस 3 को ले जाओ 7, 3 क्या 4, 5, 6, 7. समझ में आ गया, फिर से एक प्रैक्टिस कर लो आप, 0 वाला, 0 वाला में नहीं जाने का तुम सो जाते हो आप लोग. देखो ये ऑलरेडी 0 है, तो हम बगल वाले से ले लेंगे, हमने ले लिया, इसको कट कर 4 लिखा. 3 को ले जाना है 10 तक, ठीक है. 3 क्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिंगर का कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 ही हो. और 3 को ले जाओ 4 तक, 3 के आगे 4, 1. ओके, ये क्या था हमारा विथ बॉर्डर करके, और विदाउट बॉर्डर भी मैंने दे दिया. क्या रीजन था उसका, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा था, इसीलिए उसमें बॉर्डर नहीं करना था. जो बड़ा होगा उसमें से बॉर्डर नहीं करना, जो छोटा होता है उसमें बॉर्डर करना है. ओके, इसके प्रैक्टिस कर लेना आप.